हेलो गाइस, 8 जुलाई, हिंदुस्तान एडिटोरियल डिक्टेशन, 80 वर्ड पर मिनट शुरू होगा 5 सेकंड बाद। कोरोना महामारी ने अमेरिकी समाज और उसके प्रशासन से जुड़े कई मिथकों को ध्वस्त किया है। अमेरिका की केंद्रीय आव्रजन संस्था इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ICI का ताज़ा फैसला इसका नया उदाहरण है। ICI ने सोमवार को फरमान सुनाया कि अमेरिका में पढ़ रहे उन तमाम विदेशी छात्रों को देश छोड़ना पड़ेगा जिनकी यूनिवर्सिटी ने आगामी सेमेस्टरों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था मुकम्मल कर ली है। यदि इसके बावजूद कोई छात्र अमेरिका में टिका रहा तो उसे जबरन बाहर किया जाएगा। जाहिर है, इस फैसले का असर लाखों विदेशी विद्यार्थियों पर पड़ेगा, खासकर भारत और चीन के छात्र इससे सर्वाधिक प्रभावित होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों देशों के विद्यार्थियों की तादाद है। यही नहीं, उन हजारों विद्यार्थियों के आगे भी फिलहाल अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है जो सितंबर से नए अकादमिक सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचने वाले थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस महामारी से निपटने में प्रशासनिक कमियों को लेकर अमेरिकी समाज में अंदर खाने काफ़ी उबाल है। जल्द ही वहां राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन अमेरिकी आवाम को यह दिखाना चाहता है कि उसे सिर्फ उनका ख्याल है। महामारी के बाद वह वीजा नियमों में बदलाव कर चुका है, मगर हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे अधिक जान माल का नुकसान उठाने के बावजूद अमेरिका सत्ता प्रतिष्ठानों में कोरोना से निपटने को लेकर अब भी समन्वय की भारी कमी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट महामारी के सवाल पर आज भी अलग-अलग नज़रिया रखते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ लगातार आगाह कर रहे हैं कि अमेरिका की स्थिति बेहद गंभीर है और यह महामारी के बीचों बीच खड़ा है। पर राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी लोग ही संक्रमण से बचाव के मान्य उपायों का मजाक उड़ाते फिर रहे हैं। बेमास्क पहनने की अनिवार्यता की भी खिल्ली उड़ाने से बाज नहीं आ रहे, जबकि ठोस नज़ीर सामने है कि जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने कैसे मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग के जरिए इस घातक वायरस के प्रसार को काबू करने में सफलता पाई है। मगर सच्ची कोशिश और प्रतीकात्मक लड़ाई अमेरिकी समाज के दोहरेपन को अक्सर दुनिया के सामने ले आती रही है। कोरोना महामारी ने एक बार फिर इसे उजागर कर दिया है। ठीक है, हर सरकार अपने नागरिकों के हितों का ख्याल सबसे ऊपर रखती है। उसका यह भी फर्ज है कि अपनी भौगोलिक सीमा में दूसरे देशों के बासिंदों के मानव अधिकारों की भी वह रक्षा करे। वैसे भी ये विद्यार्थी शरणार्थी नहीं हैं, जिन्हें अमूमन हर देश एक बोझ समझता है। ये विद्यार्थी हैं
जिनसे अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने मोटी फीस वसूली है। एक ऐसे वक्त में जब अंतर्राष्ट्रीय सरहदें बंद हैं, तमाम उड़ानें रद्द हैं, ट्रंप प्रशासन को इन विदेशी छात्रों को उनके मुल्क तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उच्च शिक्षा उद्योग का अच्छा खासा योगदान है। उससे सालाना करीब 37 अरब डॉलर की कमाई इससे हो रही है। मुश्किल समय के ऐसे आचरण भावी विद्यार्थियों को उससे विमुख भी कर सकते हैं। बहरहाल, इस नई स्थिति में देशों और सरकारों के लिए भी एक सबक है। अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विश्व स्तरीय संस्थान खड़े कीजिए। अब बारी है 100 वर्ड पर मिनट की। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना महामारी ने अमेरिकी समाज और उसके प्रशासन से जुड़े कई मिथकों को ध्वस्त किया है। अमेरिका की केंद्रीय आव्रजन संस्था इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ICI का ताज़ा फैसला इसका नया उदाहरण है। ICI ने सोमवार को फरमान सुनाया कि अमेरिका में पढ़ रहे उन तमाम विदेशी छात्रों को देश छोड़ना पड़ेगा जिनकी यूनिवर्सिटी ने आगामी सेमेस्टरों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था मुकम्मल कर ली है। यदि इसके बावजूद कोई छात्र अमेरिका में टिका रहा तो उसे जबरन बाहर किया जाएगा। जाहिर है, इस फैसले का असर लाखों विदेशी विद्यार्थियों पर पड़ेगा, खासकर भारत और चीन के छात्र इससे सर्वाधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों देशों के विद्यार्थियों की तादाद है। यही नहीं, उन हजारों विद्यार्थियों के आगे भी फिलहाल अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है, जो सितंबर से नए अकादमिक सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचने वाले थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस महामारी से निपटने में प्रशासनिक कमियों को लेकर अमेरिकी समाज में अंदर खाने काफ़ी उबाल है। जल्द ही वहां राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन अमेरिकी आवाम को अब यह दिखाना चाहता है कि उसे सिर्फ उनका ख्याल है। महामारी के बाद वह वीजा नियमों में कई बदलाव कर चुका है, मगर हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे अधिक जान माल का नुकसान उठाने के बावजूद अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठानों में कोरोना से निपटने को लेकर अब भी समन्वय की भारी कमी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट महामारी के सवाल पर भी अलग अलग नज़रिया रखते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ लगातार आगाह कर रहे हैं कि अमेरिका की स्थिति बेहद गंभीर है और यह महामारी के बीचों बीच खड़ा है, पर राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी लोग ही संक्रमण से बचाव के मान्य उपायों का मजाक उड़ाते फिर रहे हैं। वे मास्क पहनने की अनिवार्यता की भी खिल्ली उड़ाने से बाज नहीं आ रहे, जबकि ठोस नज़ीर सामने है कि जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने कैसे मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग के जरिए इस घातक वायरस के प्रसार को काबू करने में सफलता पाई है। मगर सच्ची कोशिश और प्रतीकात्मक लड़ाई अमेरिकी समाज के दोहरेपन को अक्सर दुनिया के सामने ले आती रही है। कोरोना महामारी ने एक बार फिर इसे उजागर कर दिया है। ठीक है, हर सरकार अपने नागरिकों के हितों का ख्याल सबसे ऊपर रखती है, उसका यह फर्ज भी है कि अपनी भौगोलिक सीमा में दूसरे देश के बासिंदों के मानव अधिकारों की भी
वह रक्षा करे। वैसे भी ये विद्यार्थी शरणार्थी नहीं, जिन्हें अमूमन हर देश एक बोझ समझता है। ये विद्यार्थी हैं जिनसे अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने मोटी फीस वसूल की है। एक ऐसे वक्त में जब अंतर्राष्ट्रीय सरहदें बंद हैं, तमाम उड़ानें रद्द हैं, ट्रंप प्रशासन को इन विदेशी छात्रों को उनके मुल्क तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उच्च शिक्षा उद्योग का अच्छा खासा योगदान है। उसे सालाना करीब 37 अरब डॉलर की कमाई इससे हो रही है। मुश्किल समय के ऐसे आचरण भावी विद्यार्थियों को उससे विमुख भी कर सकते हैं। बहरहाल, इस नई स्थिति में देश और सरकारों के लिए एक सबक है, अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विश्व स्तरीय संस्थान खड़े कीजिए।